भांजा यहां से लूटेगा, बहन उस इलाके की मालिक, चाचा उस इलाके का मालिक, उन्होंने इलाके बांट दिए थे कि नहीं, लूटने के तरीके खोज लिए थे कि नहीं, लोगों का भला करने के लिए नहीं लूट करने की व्यवस्था बनाई थी कि नहीं बनाई थी। वही आपका एरिया लूट लो। भाइयों बहनों, इन लोगों का बस चलता, इन लोगों का बस चलता तो कानपुर और कानपुर की तरह ही यूपी के और शहरों में एक एक मोहल्ला माफिया गंज के नाम से बना देंगे। क्या हर शहर में माफिया गंज मोहल्ला चाहिए क्या? हर नगर में माफिया गंज मोहल्ला चाहिए क्या? ये माफियाओं से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? याद करिए पहले किस तरह गरीब के, मध्यम वर्ग के, व्यापारी कारोबारी के घरों पर, जमीनों पर अवैध कब्जा हो जाता था। योगी जी की सरकार ने इन भू माफियाओं पर ऐसी शक्ति दिखाई, ऐसी शक्ति दिखाई कि उनकी माफियागिरी आखिरी सांसें गिन रही है। उनकी माफियागिरी आखिरी सांसें गिन रही है। अगर उनको सपा जैसा डॉक्टर मिल गया तो फिर से सांसें दौड़ने लग जाएगी। अब ये परिवारवादी इन माफियाओं को नई ताकत देने का बहाना ढूंढ रहे हैं, इसलिए उनको सरकार चाहिए। आपने देखा कि बीते कुछ दिनों में कितने ही वीडियो निकले हैं, आपने देखा होगा वीडियो, इनके गुंडों ने, उनकी जो वीडियो आई है उन्होंने पत्रकारों को भी छोड़ा नहीं है। भाइयों बहनों, पत्रकारों को भी बुरी तरह से पीटा है, क्योंकि वो पत्रकार ने सच बोलने की हिम्मत दिखाई है। यूपी के लोगों को इनसे सतर्क रहना है। इन लोगों का सरकार भी लौटने नहीं देनी है। भाइयों और बहनों, गरीब का कल्याण, उसका सशक्तिकरण भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आप याद करिए 2017 से पहले जब इन घोर परिवारवादियों की सरकारें थी, तब आए दिन यूपी में राशन घोटाले की खबरें आती थी कि नहीं आती थी, राशन घोटाला होता था कि नहीं होता था, गरीब का राशन मार लिया जाता था कि नहीं मार लिया जाता। इन लोगों ने लाखों फर्जी राशन कार्ड बनाकर राशन माफियाओं का दांडव ऐसा पैदा कर दिया था जो गरीब को भूखे रहने के लिए मजबूर करता था। डबल इंजन की सरकार ने फर्जी राशन कार्डों के इस खेल को खत्म कर दिया। आज यूपी के करोड़ों नागरिकों को मुफ्त राशन का डबल बेनिफिट मिल रहा है, पूरा बेनिफिट मिल रहा है। यही कारण है कि 100 साल के बाद इतने बड़े संकट में, इतनी बड़ी दुनिया की महामारी, दुनिया की इतनी बड़ी बीमारी में भी
गरीब का चूल्हा जलता रहा है भाई। और मेरी माताओं बहनों, संकट अगर आ भी गए हैं, ये मोदी है, मेरी गरीब मां बहन का चूल्हा कभी बुझने नहीं देगा। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना भी मदद कर रही है। अगर यूपी का कोई परिवार किसी दूसरे राज्य में जाए, अगर वो उत्तर प्रदेश से मानो गुजरात चला गया, महाराष्ट्र चला गया, कर्नाटक चला गया, पंजाब चला गया, तो उसको अब उसके राशन कार्ड भले यूपी का होगा, उसको पंजाब में भी राशन मिलेगा, महाराष्ट्र में भी राशन मिलेगा, मुंबई में भी राशन। एक राज्य से दूसरे राज्य कोई जाएगा, गरीब आदमी भूखा नहीं मरेगा। भाई और बहनों, डबल इंजन की सरकार का काम कैसा होता है, एक गरीबों को पक्के आवास की योजना में भी दिखता है। पहले की सरकार ने पूरे कार्यकाल में गरीबों के लिए घर बनाने में कितनी उदासीनता रखी, मुझे बताइए। भारत सरकार पैसे भेजे, गरीब को घर चाहिए, मोदी घर बनाना चाहता है, लेकिन 2014 में यहां ऐसी सरकार थी, वो गरीबों के लिए घर बनाने के लिए तैयार नहीं थी। ये योगी जी की सरकार बनने के बाद काम हुआ, और मुझे खुशी है, हमने जो पैसा दिल्ली से भेजा, पाई पाई का उपयोग हुआ, और उत्तर प्रदेश में 34 लाख, आंकड़ा सुन लीजिए भैया, 34 लाख पक्के घर गरीबों को बना करके दिए गए। 34 लाख कितने कितने भैया कितने 34 लाख। और आज एक घर की कीमत होती है कितनी भाई, लाखों में होती है कि नहीं होती है? इसका मतलब उत्तर प्रदेश में 34 लाख गरीब जो उनको घर मिला, वो लखपति हुए कि नहीं हुए? मोदी ने आकर के 34 लाख गरीबों को लखपति बनाया कि नहीं बनाया? योगी जी ने लखपति बनाया कि नहीं बनाया? और इसमें भी 13 लाख घर हमारे दलित भाई बहनों को मिले हैं। भाइयों, कोई भेदभाव नहीं। भाइयों और बहनों, गौर परिवारवादियों ने उत्तर प्रदेश की महिलाओं की कभी इज्जत नहीं की, कभी उनका दुख दर्द नहीं समझा। किसी भी मजहब की महिलाएं हो, किसी भी पंथ की बेटियां हो, हमारी सरकार बिना भेदभाव उनके हितों की रक्षा में जुटी है। जन धन बैंक खाते खुले, सबसे ज्यादा लाभ बेटियों को हुआ। मुद्रा योजना हो, सबसे अधिक लोन बेटियों को मिले। स्वयं सहायता समूहों के बिना गारंटी ज्यादा पैसा देना हो, सबसे अधिक लाभ हमारी मां बहन बेटियों को मिला। नल से जल हो, बेटियों की सुविधा सबसे अधिक बढ़ी। घर घर शौचालय बने, इज्जत घर बने, तो बहनों बेटियों को अपमान से पीड़ा से मुक्ति दिलाने का काम भी मोदी और योगी सरकार ने किया। जिस पीएम आवास योजना के बारे में मैंने अभी बताया, उसमें जो घर दिए जा रहे हैं,
उसमें ज्यादातर महिलाओं के ही नाम